बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कि इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बना रहे हैं जी मटर वाले परांठे। तो उसके लिए हमने लिया ये हरा धनिया, एक नींबू, हरी मिर्चें और मटर। ये मटर वाले परांठे जो है बड़े मज़े और टेस्टी बनते हैं, तो आज हम बना रहे हैं जी मटर वाले परांठे। तो अभी हम इनको धनिया साफ़ कर लेंगे, मटर निकाल लेंगे, तो फिर आपसे मिलते हैं। देखिए जी, मैंने सारी चीज़ों को साफ़ करे, धनिया मैंने धो के काट लिए है, मटर निकाल लिए, नींबू है, हरी मिर्चें हैं, इन सबको मैंने काट लिया। अब इनको कूट लूँगी मैं। अब इन सारी चीज़ों को हम कूट लेंगे जी। ये देखें जी, मिर्चों को और मैंने मटर को कूट लिया। अब मैं इसमें धनिया डालूंगी और धनिए को मैं कूट लूंगी उस, और फिर नींबू और नमक डालूंगी इसमें मैं, इसको कूटने के बाद। सिर्फ इसमें नमक ही जाएगा, क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली है ना, तो सिर्फ नमक ही जाएगा। और नींबू डालेंगे, नींबू हाजमा दुरुस्त रहता है, परांठे भारी होते हैं तो वो हजम हो जाते हैं। देखिए जी, हमारी चटनी बन चुकी है। चटनी मैंने अच्छी तरह कूट ली है, बना ली है, नमक मैंने डाल दिया। अब ये नींबू मैं इसमें डाल दूंगी। नींबू मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मिक्स करके हम निकाल लेंगे, फिर हम इसके परांठे बनाएंगे। अभी जी हमारा मटर वाले परांठे बना रहे हैं। रोटी मैंने दो बना ली हैं, अब हम मसाला लगाएंगे ऊपर। इन परांठों को आपने सादे दही के साथ खाना है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी और मज़े के। ये है जी हमारे मटर वाले परांठे। ये मटर वाले परांठे बड़े टेस्टी होते हैं, आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं। अगर आपने दोपहर को कभी होता है ना सालन नहीं हम लोग बनाते, तो ये परांठे बड़े मज़े के होते हैं, दही के साथ दोपहर को खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत मज़े के। ये मटर वाले परांठे किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत पसंद है, हमें तो जो सब्ज़ी आती है हम उसके परांठे बना के खाते हैं, लेकिन दही के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। हम दही के साथ खाते हैं, दही के साथ बहुत मज़ा आता है। ये देखिए हमारा परांठा बन के तैयार। हम इसको खोलेंगे, बहुत गर्म है। ये देखिए कितना मज़े का। ये देखिए, और ये बहुत मज़े के होते हैं, तो बहुत टेस्टी। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जोर दबाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।